सीधे मेरा सवाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपसे, कह रहे हैं वो कि अगर 12 तारीख तक कमिटमेंट पूरे नहीं हुए तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिस गृह राज्य मंत्री को अफसर सलाम करते हैं क्या उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? दीपक जी, इसका बड़ा साफ सा जवाब है कि अगर यही गृह राज्य मंत्री का बेटा था जिसके खिलाफ FIR रजिस्टर की गई, आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो एक पर्टिकुलर जाति और एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ FIR ही नहीं होती थी, उसके लिए मंत्री जी का चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अगर इस तरह का पैट्रनाइजेशन होता तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के के खिलाफ FIR भी लिखी जा सकती, तो वहां से शुरू करता। उसके बाद देखिए आंदोलन होने के 24 घंटे के अंदर किसान नेता, जो इनके टिकैत, जो इनके सो कॉल्ड नेता है ऐसा माना जाता है, वो DGP पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके किसानों के साथ समझौता करके वहां की स्थिति को कंट्रोल कर लिया था। जब ये स्थिति कंट्रोल हो गई तो जो पॉलिटिकल वल्चर्स, पॉलिटिकल गिद्ध जो बैठे हुए हैं, जो अपने अपने स्टेट की क्राइसिस को छोड़ करके, चूंकि उत्तर प्रदेश में होने वाला है चुनाव, तो सब लोगों को अपना चुनाव नजर आ रहा है, देश की जनता या प्रदेश की जनता पे उनका कोई मरहम पट्टी लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप यही सोचिए दीपक जी, बगल में जिस दिन यहाँ पे ये घटना हुई थी उसके अगले दिन राजस्थान में MSP की बात हो रही थी ना, अभी MSP के लिए राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ, कितने किसानों का प्रॉब्लम हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के CM, उनके राष्ट्र, उनके प्रदेश में दंगा हो रहा है, उसको छोड़ के वो लखनऊ में धरने पे बैठे हुए हैं, वारिसी चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अगर आते हैं, साथ ही साथ आप देखिए कि इसी तरह का अगर इवेंट होता है, अभी 2 दिन पहले दीपक जी आपको मालूम होगा, पक्का मालूम होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को कश्मीर में मारा जा रहा है, और उसके बाद विपक्ष की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में आके नजर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ दीपक जी, जिसने भी अपराध किया है वो मंत्री का बेटा हो चाहे मंत्री खुद हो, चीफ मिनिस्टर योगी जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी। ठीक है, स्वाति मलिक जी के पास सीधे चलते हैं। सब कुछ होने के बाद आज आप देखिए कि ये सारे पॉलिटिकल गिद्ध जो है जम्मू कश्मीर पे मुंह सिल के बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जहाँ चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां मुंह सिल के बैठे हुए हैं। ये जो आपने तो आतंकवाद खत्म कर दिया था, फिर कहां से आतंकवादी आ गए? आपने तो नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर दिया था। ठीक है।